आइडेंटिटी रिलेशन, इनका हिंदी क्या होता है? सस्मक संबंध, सस्मक संबंध। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और 2021 में आप एग्जाम देंगे बोर्ड एग्जाम और क्लास 12 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप क्लास 12 के सभी वीडियो को चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर में हैशटैग जो दिखाई देगा उनको बीच वाले हैशटैग को छुइए और सारे वीडियो का लिस्ट आपके पास आ जाएगा। ये रिलेशन ऑन वन ए सेट ए इज सेट टू बी, उनके बाद सर क्या फैक्टोरियल, ये ऑन के बाद वन है सेट, समझ गया, ये सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ आर बराबर ए बी सच डेट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बराबर बी एग्जाम्पल वन टू थ्री रिलेशन आपको हो गया वन वन टू टू थ्री थ्री आइडेंटिटी रिलेशन तस्मत संबंध ए रिलेशन ऑन वन ए सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बराबर बी। देखो हिंदी में परिभाषा, समुच ए पर परिभाषित संबंध आर स्टार न, इनका हिंदी में जी स्टार क्यों लगाएगा, समुच ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच ए पर परिभाषित संबंध आर, देखो एक ये यहाँ पर देखो एक एक तस्मक संबंध कहलाता है आर एक शब्द में क्यों ये अंक में लिखो ना एक 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 पहले एक लिखा उसके बाद एक लिखो एक हिंदी में हाँ हाँ तस्मक संबंध कहलाता है, तुम लोग ने समझ रहा है। देखो ये एक है ना जी, ये मतलब क्या होता है, एक नहीं होता है, ये मतलब क्या होता है, तब तो को दो बांटना है। एक तस्मक संबंध कहलाता है यदि फिर वही चीज एक मतलब क्या हो गया यदि या अगर आर बराबर ये जो चीज लिखा हुआ है यही चीज लिख दो। आइडेंटिटी क्या हो गया, जैसे मान के चलो कि हम कहते हैं कि इस लड़का का आइडेंटिटी तो यही ना होगा या इसके हूबहू जो कोई होगा वही ना होगा, वैसे तो एकदम मान के चलो कि हूबहू मिलना मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ही नहीं होता है। तो मान के चलो कि अगर मिलता है तो हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी है, जैसे वन का आइडेंटिटी क्या होगा, वन नहीं होगा हम्म, उसके बाद दो का आइडेंटिटी क्या होगा, दो एक का आइडेंटिटी क्या होगा, ये जैसे वन के बदले थोड़े दूर रख सकता है जी नहीं होगा, तो वन का आइडेंटिटी क्या होगा, वन ही होगा। तो कहने का अर्थ हो गया कि रिलेशन में देखो ए बी क्या है ऑर्डर्ड पेयर, ए बी क्या है ऑर्डर्ड पेयर, तो ए किसका सदस्य है, पहला जो है ए का सदस्य है, बी किसका सदस्य है, बी का। तो मान के चलो कि जब दो सेट लेंगे तब ऐसा होगा और जब हम एक को सेट लेंगे तो ए भी ए का ही सदस्य होगा और बी भी किसका सदस्य होगा, ए का ही होगा, जब सेट ए वो है तो एक का होगा जी हम्म।
तो कह रहा है कि इसमें वही पेयर लिखा जाएगा, इसमें वही पेयर लिखा जाएगा जिसका दोनों एलिमेंट ए और बी आपस में क्या हो, बराबर हो, दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो, यानी ए बी इसमें अगर रहेगा तो ए और बी आपस में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बोलो दो तीन इसमें ले सकता है जी सर, दो तीन ले सकता है, दो दो रहेगा, दो तीन रहेगा, तो मतलब कंडीशन तो कह रहा है कि दो बराबर तब तीन होना चाहिए, क्या दो बराबर तीन है, है इसलिए दो दो आप ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, क्या दो तीन ले सकते हैं, ले सकते हैं, हाँ तो इसलिए देखिए ए पर परिभाषित न है तो ए का ही एलिमेंट उठाएगा, ये चार चार भी इसमें घुसा देगा, नहीं घुसाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि समुच्चय पर परिभाषित संबंध मतलब ए तो ए में जो एलिमेंट है ना उन्हीं का होना चाहिए इसमें, तो देखो एक है तो क्या होना चाहिए, एक एक ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी, ए बराबर बी है कि नहीं है, ये दो तो दो दो हो गया, ये दो है, ये देखो दो दो बराबर दो होगा कि नहीं होगा, इसको समझने में दिक्कत भी है, नहीं है, आइडेंटिटी सबसे पहले से ही जानता है आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी का नाम नहीं सुना होगा तो हु बहु का नाम सुना होगा, नहीं सुना है जी, हु बहु है वो वकड़े एकदम हु बहु रूप छे, ऐसे एकदम चर्चा करता है कि नहीं करता है, तो यही चीज क्या होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है, तस्मक संबंध होता है, संबंध मतलब मान के चलो कि स्वयं से भी लोग संबंधित होता है ना, होता है वैसे दो व्यक्तियों से संबंधित होता ही है, अगर कोनो रिलेशन है चाहे जिस रूप में हो, अगर मान के चलो कि तुम आदमी हो और तुम्हारे हु बहु किसी और का रूप है, आप उनसे भी संबंधित हो, क्यों कि हु बहु ये आपका क्या हो गया, संबंध हो गया, ये आपका क्या हो गया, संबंध हो गया, ये आइडेंटिटी रिलेशन यही चीज होता है, इनको समझने में और कोई दिक्कत है, बोलो। तो रिलेशन से पहले हम लोगों ने आपको कुछ परिभाषा लिखाए हैं, आप लोग लिख चुके हो, हमने आपको कुछ परिभाषा लिखाए हैं, तो बोलो रिलेशन किसे कहते हैं, आर सबसेट में क्या कहते हैं, आर सबसेट ए क्रॉस बी, आर सबसेट ए क्रॉस बी, आर को हम ए से बी में क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, समझ गया ना, उसके बाद बोलो एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं, समझ गया ना, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू फाइव, समुच ए पर परिभाषित संबंध आर खाली संबंध कहलाता है यदि आर बराबर क्या हो, फाइव हो, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, आर बराबर ए क्रॉस बी, यदि ए और बी दो गो सेट है, समझ गया, तो उनका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, यानी आर बराबर ए क्रॉस बी, यानी दो सेट लेंगे तो अगर एक सेट रहेगा तो आर बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी, ये हो गया, उसके बाद ये क्या आया, आइडेंटिटी रिलेशन, समझ गया ना, अब ये सब तो था वैसे समझने के लिए, अब जो तीन को हम रिलेशन लिखाएंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अब देखो इसी से संबंधित एग्जाम में भी सवाल लाएंगे और उसी रिलेशन के परिभाषा पर आधारित एक्सरसाइज में सभी सवाल भी बनेंगे, तो ये सब मान के चलो कि इनका डेफिनेशन याद रखना है, इन तीनों चीजों को एकदम रट जाना है, एकदम माइंड में सेट ही कर लेना, यहाँ पर तुम पूरी तरह से समझा ही देंगे, तुम लोग याद करते जा रहे हैं ना, देखते याद करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सब थोड़ा सा टेढ़ा कर, समझ गया, रिफ्लेक्सिव इधर रिलेशन, नहीं देखो ये कैमरा का जो पोजीशन है ना वही है वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनका हिंदी क्या होता है, समतुल्य, समतुल्य संबंध, अब देखो समतुल्य, समतुल्य से क्या अर्थ हो गया, स्वयं से तुलना, समझ गया ना, स्वयं से तुलना, स्वयं से तुलना का,
समझ रहा है ना। देखो आइडेंटिटी रिलेशन उसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई खास अंतर नहीं है। अब इनका लिखो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी, इधर करता भी है सेड टू बी पूरा ठीक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए डेट इज ए ए बिलोंग्स टू आर वो क्या है डेट इज ए आर एक बार ये इनको फॉर ऑल ए को पलट दो या आप लोग लिखना चाहोगे इंग्लिश में तो एफ आर फोर ए डबल एल ओ सभी के लिए ना होता है जी सभी के लिए उसका चिन्ह हुआ सर जी हाँ उनका मैथमेटिक्स ये सिंबल हुआ क्वेश्चन में लिख देते हैं फोर बोलते हो जी तो ए बिलोंग्स टू आर और यहाँ पर भी फोर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ए रिलेशन आर ओन ए सेट ए हिंदी में लिखिए इनका परिभाषा समुच ए पर परिभाषित संबंध आर क्या सर जी समुच ए पर परिभाषित संबंध आर फास्टली लिखो छूट जाएगा दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे छोटका है सर समुच लिखा रहे हैं तो कैपिटल ये लिखा जाएगा भूल गया सेट को हम किससे सूचित करते हैं स्मॉल एकदम तुम कहाँ से एकदम लाएगा समुच ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए ए से संबंधित हो ये देख लो कोमा देख लो नहीं तो ये लिख दो इसके बाद ये चीज लिख दो यहाँ तक कौन सा यदि ए ए रिलेटेड ए समझ गया इसका हिंदी हुआ ए ए से संबंधित ए से संबंधित तो इनका इस प्रकार से मैथमेटिकल फॉर्म लिखते न जाओ जी ए ए से संबंधित हो कुछ बुझुन के सर जी वहाँ से ये समझ जाएगा एग्जांपल में ए से संबंधित हो ए बिलोंग्स टू ए के लिए बिलोंग्स टू का लाना है या सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए सर वहाँ तक लिख के यदि संख्या का यदि के बाद वो लिख दिया उसके बाद यदि के बाद जो है ना यदि तक लिख लिया है ना सब उतार दो ये सब चीज उतार लो उतार लिया ना अब इनके अर्थ को समझना चाहता है ना जी। देखो ए ए से संबंधित ए रिलेटेड क्या हो गया ए से संबंधित ये फोर ऑल हो गया सभी के लिए ए बिलोंग्स टू ए सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए इनका हिंदी क्या हो गया सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए अर्थात आप देखो ए बिलोंग्स टू आर क्योंकि रिलेशन में तो पेयर न रहता है जी ऑर्डर पेयर ना इसमें भी एकदम सभी ऑर्डर पेयर ना जिनसे मतलब एलिमेंट जितना रहेगा सभी ऑर्डर पेयर बनाएगा सभी एलिमेंट का ना यही लिखेंगे गलती हो जाएगा आप देखो एग्जाम्पल जैसे ए कोई सेट है इसमें एक दो तीन चार एलिमेंट ले लिए इस पर हम एक रिलेशन लिखते हैं रिफ्लेक्सिव तो देखो एक एक दो दो तीन तीन चार चार इसमें भी सर वही
तो बोलो ये इसी को हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब फॉर ऑल क्यों दिए, तो सभी मानों के लिए था ना जी, नहीं था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए अर्थात मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे, सेट ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे सभी क्या होना चाहिए सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, स्वयं से रिलेटेड, इसलिए ना फॉर ऑल लिखते हैं। नहीं तो क्या करता कि एक एक लिख देता, दो दो लिख देता, तीन तीन चार चार फॉर ऑल में क्या चीज क्या हम अभी बोले इसमें उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पहले बोल दिए, अब देखो फॉर ऑल हम नहीं देते तो क्या होता, तो हम क्या वन वन लिख के भी तो हम छोड़ सकते थे, दो दो लिख के छोड़ देते, तीन चार नहीं लिखते, ऐसा कर सकते थे ना। फॉर ऑल का मतलब क्या हो गया, इसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा सब का सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर पेयर होना चाहिए, सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर पेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखो जैसे बी में है कि ए बी सी, ए बी सी, इस पर आधारित हम एक रिलेशन लिखते हैं, आर वन लिखते हैं, तो ए ए बी बी सी 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 सी, ये हो गया ना। एक रिलेशन हम आर टू लेते हैं, समझ गया ना, हम क्या करते हैं बी बी उसके बाद सी सी उसके बाद हम क्या लिख देते हैं ए ए। एक हम रिलेशन लेते हैं आर थ्री, इसमें हम लिखते हैं ए ए ए, उसके बाद है बी 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 सी सी। आप बोलो ए ए बी बी, इसमें जो है कौन कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, कौन कौन नहीं होगा, ए आर थ्री टू नहीं होगा सर। बोलो यस सर, आर थ्री नहीं होगा, तो आर वन और आर टू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, आर थ्री नहीं होगा। यस सर, उसमें देखो ई क्रम बदल भी दिया जाए ना इधर उधर, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोगों का क्रम कैसे भी कर दे कोई मतलब होगा, पढ़ाई में अभी पढ़ रहे हो ना जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर तो कोई बातें नहीं, अभी किधरों किसी को बैठा देंगे कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। उसी प्रकार से ये जो ऑर्डर पेयर है इसको इधर उधर लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सबका क्या होना चाहिए, सेल्फ रिलेटेड पेयर होना चाहिए। तो देखो ये आर थ्री जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, आर थ्री क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखो ए ए तो मिल गया, बी बी मिल गया, तो देखो परिभाषा के अनुसार फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, सभी के लिए तो दू ये गुण हुआ, एगो सी तो बचिए न गया जी, तो सभी के लिए हुआ नहीं हुआ, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तो लिखेगा आर वन और आर टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आर थ्री रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि क्योंकि सी सी से रिलेटेड नहीं है, सी सी से संबंधित नहीं है। बस ये सभी एग्जाम्पल उतार लो और यहाँ पर नीचे में लिख देना आर वन आर टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आर थ्री रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि सी सी से संबंधित नहीं है। ये स्टार करो, ये समांतर समांतर पैरेलल चिन्ह लिखा है सर, हम लिखे हैं समांतर कैसे होता है, तुम लोग लिखो समांतर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है समांतर, क्योंकि मान के चलो कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, नहीं हो गया सेल्फ रिलेटेड हो गया ना, तो समांतर क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समांतर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। दूसरा लिखो स्टार करके, समांतर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, उसके बाद लिखो समरूप रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सिमिलर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, समरूप सिमिलर, देखो समरूप बोल दिए तो अभी रिफ्लेक्सिव नहीं लिखा रहे हैं, तो सोच लेना है कि समरूप रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सर्वांगसम भी होता है, सर्वांगसम रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है।
सर्वांगसम जो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। उसके बाद लिखो लेस देन या ग्रेटर देन। चीन लिखेंगे लेस देन या कैसे लिखेंगे? वैसे भाषा ही चीज नहीं लिखेगा, चीन लिख के तुम क्या करेगा, तुम समझ जाएगा तो चीन ही लिख लो। हाँ, लेस देन या ग्रेटर देन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। लेस देन या ग्रेटर देन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। समझ गया ना? ये आपको समांतर हो गया था, दूसरा क्या हो गया था? समरूप, सिमिलर। तीसरा क्या हो गया था? सर्वांगसम। ऐसे चौथा लेस देन। उसके बाद मान के चलो कि लेस देन, उसके बाद ये ग्रेटर देन, फिर देखो और नहीं होता, इक्वल टू भी लगा दो। अच्छा, ये लेस देन और ग्रेटर देन ये जो है आपको नहीं होता, सिंबल हम लिखा चुके हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं होगा, लेकिन इक्वल टू होगा, ये आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लिखो बराबर रिलेशन होता है, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू होता। अब फिर स्टार करके लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता परपेंडिकुलर। हाँ, स्टार करके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। उल्टा तीन क्या लिखे? परपेंडिकुलर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। रिलेशन नहीं होता है क्योंकि कोई भी रेखा उसमें प्रलंब होगी नहीं सर, नहीं सर भी लिखेंगे सर, लिखेंगे समझाने के लिए हम लिखाएंगे, समझाने के लिए एकदम सबका कारण लिखेगा। सिमेट्रिक हिंदी होता है सममित, क्या होता है सममित। अब देखो इनका डेफिनेशन एक बार, सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ A related B implies B related A, that is A B belongs to R implies B A belongs to R for all A B belongs to A। ट्रिक रिलेशन है तो इनका जो हिंदी में परिभाषा लिखिए समूह A पर परिभाषित संबंध R। क्या बोले सर? समूह A पर परिभाषित संबंध R, समूह A पर परिभाषित संबंध R सममित संबंध कहलाता है। संबंध आर दो बार रिपीट किया, भले छह बार आर के बाद सममित संबंध कहलाता है। संबंध आर सममित संबंध कहलाता है उतार। उसके बाद यदि देखे यही चीज लिख दो किताबी डेफिनेशन है जी, अभी तो सम्राट डेफिनेशन बाकी है वर्मा युवा पर ही देगा। लिखो संबंध का कहां दिए, सतुल का भी लिखेगा, लिखो सतुल संबंध के लिए एस डेफिनेशन न है तो लिखो फिर भी एस डेफिनेशन बात फोर रिफ्लेक्सिव एस डेफिनेशन फोर रिफ्लेक्सिव। हाँ, एक लाइन में सर जी लिखो
यदि ए ए से संबंधित हो, यदि ए ए से संबंधित हो, तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब यहाँ पर समझना होगा कि ए जो है स्मॉल ए है, मतलब सेट ए का अवयव है। यदि ए से संबंधित, ये डुबम पर रहने वाली एकदम परिभाषा है। यदि ए ए से संबंधित हो, यदि ए ए से संबंधित हो, अब इनका लिखो सिमेट्रिक का डेफिनेशन। सर जी उसका क्या लिखा है, आइडेंटिटी रिलेशन का। ये यदि ए बी से संबंधित हो, कौन सर जी किसका, यदि ए बी से संबंधित हो, स्मॉल ले देना, यदि ए बी से संबंधित हो, संबंधित हो, स्मॉल बी सर जी, और बी ए से संबंधित हो, क्या यदि ए बी से संबंधित हो और बी ए से संबंधित हो, बड़का बिन से छोटका लिखा, छोटका बोल रहे हैं तो बड़का तुम समझ रहा है। देखो यहाँ जो ए और बी लिया है तो क्या लिया है, कम से कम इसको भी एकदम सोचेगा तो समझेगा। यदि ए बी से संबंधित हो, अभी ए से संबंधित हो तो क्या कहलाता है, यदि ए बी से संबंधित हो और बी ए से संबंधित हो तो उसे सममित संबंध कहते हैं, तो उसे सममित संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिएगा। अब देखो रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, यदि ए से संबंधित हो तो उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक किसे कहते हैं, यदि ए बी से संबंधित हो और बी ए से संबंधित हो तो उसे सिमेट्रिक रिलेशन। समझ गया ना, यदि ए बी से संबंधित हो और बी ए से संबंधित हो तो क्या कहलाता है, कोरिलेशन। सिमेट्रिक कहलाता है, क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन। कितना समय हुआ है, दूर जाएगा तुम लोग पर कितना जाता है। एगो एग्जाम्पल ले लो, समझ गया ना। और 10 मिनट दे दीजिए। देखो ए बराबर आपको क्या हो गया, एक दो तीन, ये हो गया ना। ये आर वन लेते हैं, जैसे वन टू है, यहाँ पर टू वन लिए, ये आर टू वन टू, ये वन थ्री, ये टू वन। इसमें सर जी उल्टा पुल्टा किधरों से भी लिख सकते हैं, लेकिन सब होना चाहिए ना। देखो जो गलगल करेगा वो अपने ने समझेगा, फेंकाएगा, इसमें कहने वाली बात नहीं है। हमको क्या, हम तो समझा देंगे बढ़िया से। जो गलगल करा, समझ गया ना, बोर्ड पर ध्यान नहीं रहा तो वैसे फेंकाएगा, दिमाग से एकदम बहेगा, उनका दिमाग जो है दही हो जाएगा। इसलिए अल्लाह करो दिमाग दही होगा, जब दिमाग से बहेगा ना तो माथा दर्द करेगा, टेंशन से सोएगा। इसलिए बोर्ड पर ध्यान, बायोलॉजी की क्लास नहीं है, मैथमेटिक्स की है, सीरियस रहो पढ़ाई। सब चीज को एकदम मजाक को मजाक में लो, पढ़ाई को मजाक में लिया तो बह जाएगा, में जैसे झाड़ी उड़ जाता है। अब देखो इसमें हम क्या लिखा है कि यदि ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, यदि ए बी आर में है तो क्या रहेगा, बी ए भी आर में होगा। समझ गया ना, इसका अर्थ मतलब ए हो गया, बी हो गया, ए बी आर में है ना, तो बी ए भी उनका उल्टा भी आर में होना चाहिए, इसका अर्थ यही हुआ। जैसे मान के चलो कि ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, तो ए भी आर में है ना, तो जो पेयर कहाँ मिलेगा, आर में है, आर में है, तो एक दो देखो इसमें है ना, उसका उल्टा भी खोजेगा, उसका क्या करेगा, उल्टा भी, एक दो एक भी खोजना है।
उसके बाद देखो एक दो है ना, अब खोजो दो एक है जी सर, एक तीन है ना जी सर, एक है तीन एक भी होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया जी सर। अब देखो आर थ्री में तीन दो है जी, तो अब क्या खोजेगा, दो तीन मिल गया यस सर, एक तीन है तो तीन एक ना है, ये होगा सिमेट्रिक नो सर, ना होगा मतलब जो पेयर मिलेगा ना उसका उल्टा भी खोजेगा जी सर, ना जो एकदम मिला उनका क्या खोजेगा उल्टा का, तो एकदम हो जाएगा। बोलो दिक्कत है तो नहीं है, यानी एक दो मिला तो क्या करना है, जैसे एक दो मिल गया ना, नहीं मिल गया तो दो एक भी खोजना उल्टा कर, उल्टा सीधा दोनों चलता है समझा जी सर, जैसे एक दो है तो दो एक मिल गया ना, क्या जो पेयर रहेगा सभी पेयर का खोजना है, जैसे इसी में आते हैं एक दो है ना, तो उल्टा खोजेंगे क्या है दो एक मिल गया ना, क्या इनके बगल में जो स्प्रे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें होना चाहिए रिलेशन में होना चाहिए, जैसे एक तीन है तो अब आपके पास क्या होना चाहिए, किसको आपको जो है ना, ऐसे चार ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे समझ गया ना, आप देखेंगे कि कौन सा जो कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है, अब बनाने का मतलब हिसाब जो आएगा ना भाषाई रूप में, जिस भाषाई रूप में आएगा तो रहेगा कि मान के चलो कि ए और बी में पेजों की संख्या क्या है समान है, आप वहाँ पर क्या लिखोगे, ए और बी में पेजों की संख्या समान है, क्या हमने बी ए के पेजों में बी और ए में पेजों की संख्या समान है, कोई डिफरेंस हुआ, उनको हम क्या कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, यानी जो पेयर रहेगा ना उनका जो उल्टा के भी खोजना, वन टू है तो टू वन भी खोजना है, वन थ्री है तो थ्री वन खोजना, तो यहाँ पर लिखना है आर वन आर टू सिमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन आर थ्री सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखो वन थ्री से संबंधित है लेकिन थ्री वन से संबंधित नहीं है, नहीं है।